नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों को अब रोज कीटाणु मुक्त बनाने के लिए होने वाली सफाई का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान समेत सभी निकटवर्ती प्रदेशों को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए हिदायत दे दी है। इससे पहले दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों में सफर करने वाले यात्रियों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके, इस पर भी बात हुई है। बगैर प्रमाण पत्र के प्रवेश करने वाली बसों की जांच के लिए विभागीय टीम औचक निरीक्षण करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में निकटवर्ती राज्यों से रोज 2500 से 3000 बसों का आना जाना होता है। परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त अनिल के मुताबिक इस संबंध में दूसरे राज्यों को आदेश दे दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कीटाणुनाशक से सफाई के बाद ही बसों को रवाना किया जाए। उन्हें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की रोज सफाई के लिए राज्यों को प्रमाण पत्र भी देना होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो कि बगैर सफाई कोई भी बस दिल्ली में प्रवेश नहीं करे। इन बसों पर निगरानी रखने के लिए परिवहन विभाग की टीमों को भी मुस्तैद किया गया है। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग की ओर से सभी स्कूल बस संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि कीटाणुनाशक से बसों की सफाई के बाद ही उन्हें संचालित करें, संक्रमण की आशंका ना रहे। इसीलिए बस संचालकों के साथ साथ सभी वाहन मालिकों और ऑपरेटर को भी इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।